नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ईद को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने दिए निर्देश, अफसरों से बोले धर्मगुरुओं से बात करें, सड़क रोक कर धार्मिक आयोजन ना करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि बच्चों का टीकाकरण व वयस्कों को बूस्टर डोज जल्द दिया जाए। जहां ज्यादा केस मिल रहे हैं वहां विशेष निगरानी रखी जाए। वे सोमवार को लोक भवन में टीम 9 की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 से बचाव व उपचार की व्यवस्थाओं को पूरी तरह प्रभावी बनाए रखें। प्रदेश में ट्रैक टेस्ट ट्रीट और टीकाकरण की नीति के सफल क्रियान्वयन से कोविड महामारी पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। बिजली कटौती तत्काल बंद करने का सीएम योगी का आदेश, बोले सभी 75 जिलों को रोस्टर के हिसाब से दे सप्लाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में हो रही बिजली कटौती को तत्काल रोक दिया जाए। केंद्र सरकार अतिरिक्त बिजली के लिए मदद कर रही है। ऐसी स्थिति में सभी 75 जिलों में रोस्टर के मुताबिक निर्बाध बिजली आपूर्ति की जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बिजली बिल बकाए के लिए प्रभावी ATS योजना जल्द से जल्द लागू करने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि सोमवार को ऊर्जा विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बिजली की समीक्षा करने के दौरान बात कही। यूपी में अब सड़क पर नहीं कर सकेंगे धार्मिक आयोजन, सीएम योगी ने सभी DM-SP को दिए आदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिले के DM और SP को निर्देश दिए हैं कि धर्म गुरुओं से संवाद करें और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी धार्मिक आयोजन सड़क मार्ग यातायात आदि बाधित कर आयोजित न किया जाए। मुख्यमंत्री ने आदेश सोमवार को टीम 9 की बैठक में अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि 3 मई को ईद, परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया का पावन पर्व है। धर्म गुरुओं से संवाद बनाकर यह सुनिश्चित करें कि सड़क मार्ग यातायात बाधित कर कोई धार्मिक आयोजन ना हो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी अटल आवासीय विद्यालयों को निर्माण तेजी से कराने के दिए निर्देश, अगले साल शुरू होगी पढ़ाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए प्रदेश में 18 मंडल मुख्यालयों में बनाए जा रहे अटल आवासीय विद्यालयों का निर्माण इस साल अक्टूबर तक पूरा करने का निर्देश दिया है, ताकि हर हाल में उनमें अप्रैल 2023 से पढ़ाई शुरू की जा सके। मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास पर अटल आवासीय विद्यालय के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में विद्यालयों की मानक संचालन प्रक्रिया के बारे में प्रस्तुतिकरण भी हुआ। PM किसान सम्मान निधि योजना में बड़ी धांधली, मृतक किसानों के खातों में भी डाले गए पैसे, एक्शन में आई योगी सरकार। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिसंबर 2018 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी, जिसमें किसानों को एक साल में 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसका बंपर फायदा 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को मिला था और नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड सीटों के साथ देश में दोबारा सरकार बनाई थी। इस योजना के तहत हर 4 माह में 2,000 रुपए की किश्त किसानों के बैंक खातों में सीधे भेजी जाती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो करीब 2.5 करोड़ किसान इस योजना के लाभार्थी हैं। मेरठ में बड़ी कोरोना की रफ्तार, एक दिन में मिले 14 नए मरीज, शहर में मचा हड़कंप। मेरठ में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। सोमवार को 14 नए मरीज मिले, जिनमें साकेत के एक ही परिवार के 10 लोग संक्रमित मिले। यह सभी पिछले शुक्रवार को पॉजिटिव आए शहर के एक नामचीन गर्ल स्कूल की LKG की छात्र के संपर्क वाले हैं। इनमें उसके माता पिता और परिवार के अन्य लोग भी शामिल हैं। जिले में सक्रिय केसों की संख्या 35 हो गई है। 2.5 माह बाद एक दिन में कोरोना मरीजों की संख्या 2.5 के पार पहुंच गई है। यह मरीज नंगला, बट्टू, दौराला, केसरू, बक्सर, लल्लापुरा और सरूरपुर क्षेत्र के हैं। खुशखबरी, अब छात्रों को मई में नहीं जाना होगा स्कूल। आज हम आपको स्कूल की छुट्टी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। अप्रैल का महीना खत्म होने को है और मई का महीना शुरू होने पर है। तेज गर्मी के कारण मई तथा जून 2 महीने की स्कूल हॉलीडे कर दी जाती है। मई के महीने में वैसे तो स्कूल नहीं खुला होता है, लेकिन छात्र छात्राएं गर्मी के महीने में छुट्टी के मजे लिए जाते हैं। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जो संक्रमण के कारण हानि हुई है, उसकी वजह से काफी राज्यों में अभी परीक्षाएं होना बाकी है, जिस कारण स्कूलों को मई के महीने में भी खोला जाएगा। सूबे के हर ब्लॉक में होगा एक आदर्श गांव, आगाज PM के संसदीय क्षेत्र से वाराणसी बनेगा राज्य का मॉडल जिला। प्रदेश के हर ब्लॉक में एक आदर्श गांव होगा और एक आदर्श ग्राम प्रधान भी चुना जाएगा। यह निर्देश राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दिया। उन्होंने वाराणसी के अधिकारियों को 10 संबंध में आदर्श गांव और ग्राम प्रधान के चयन की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने को कहा है। उन्होंने कहा कि न केवल बनारस बल्कि ये प्रक्रिया राज्य के सभी 832 विकास खंडों में योजना लागू की जा रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने प्रत्येक ग्राम सभा को आदर्श ग्राम बनाने की हिदायत दी।
भारतीय पत्नियां अपने पति के प्रति संवेदनशील, अपने पति को साझा करना स्वीकार्य नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट। भारतीय महिलाओं का पक्ष लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय पत्नियां अपने पति के प्रति संवेदनशील है, भारतीय महिलाओं को अपने पति को साझा करना स्वीकार्य नहीं है। किसी भी विवाहित महिला के लिए यह सबसे बड़ा झटका होगा कि उसका पति किसी अन्य महिला से साझा किया जा रहा है या वह किसी अन्य महिला से शादी करने जा रहा है। यह अपने आप में आत्महत्या करने के लिए पर्याप्त कारण से अधिक है। न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की पीठ ने मामले में निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए याची सुशील कुमार व 6 अन्य याचिकाओं को खारिज कर दिया। मोदी बोले, आज विश्व के बड़े बड़े देश खाद्य सुरक्षा के लिए चिंतित, भारत का किसान दुनिया का पेट भरने आगे आ रहा। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के अपने 3 दिवसीय दौरे के तहत जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंच गए हैं। यहां उन्होंने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शेल्ज से मुलाकात की। बाद में दोनों नेता बर्लिन में भारत जर्मनी IGC बैठक में शामिल हुए। इससे पहले भारतीय समुदाय ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। फेडरल चांसलरी के सामने सुबह से ही लोगों का तांता लगा गया। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि शाम को मोदी जर्मनी में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। बर्लिन से पीएम मोदी 3 मई को डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंचेंगे। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरें। डेली ऐसी अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज UP को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही आप ये न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।